हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ये तो पहला वीडियो ही है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि जो भी जिसको भी कैंसर हुआ है और वो मेरे एज की एज के हैं, तो उसके कई सवाल होते हैं। पहला तो ये कि वो शादी कर सकते हैं, तो उसका आंसर ये कि मोस्ट ऑफ कैंसर में अभी तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, तो या तो क्योर हो जाता है या फिर फंक्शनल क्योर हो जाता है, मतलब कि रिमिजन में चला जाता है। तो उसका आंसर ये यस, शादी कर सकते हैं। फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जान लीजिए कि आपको क्या आगे कोई तकलीफ पड़ेगी। मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ जैसे ब्लड कैंसर है और दूसरे भी जो है वो एक आनुवंशिक नहीं होते, छुआछूत के नहीं होते। मतलब आप शादी भी कर सकते हो और अगर बच्चे भी पैदा हो तो वो हेल्दी ही होगी। तो इसके लिए आपका एक क्वेश्चन होगा कि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म है मैट्रिमनी साइट, तो यस है। आपको गूगल में CS मैट्रिमनी लिखना है। आप यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और फिर भी आप स्पेलिंग देख लीजिए तो कैंसर सर्वाइवर मैट्रिमनी खुलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस साइट इज क्रिएटेड विथ 100% नॉन प्रॉफिट मोटिव। इसका मोटिव पैसे कमाना नहीं है, ये 100% फ्री सर्विस देगी और ये सिर्फ कैंसर सर्वाइवर के लिए ही है स्ट्रिक्टली। ये डेटिंग साइट नहीं है, सिर्फ मैट्रिमनी है, वो भी कैंसर सर्वाइवर के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस वेबसाइट में ईमेल आईडी और नंबर भी दिए गए, मोबाइल नंबर। वहाँ आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने जहाँ तक पड़ताल की उसमें ये बोला कि ये साइट बिल्कुल फ्री है, वो तो 100% फ्री है, लेकिन एक यस क्वेश्चन होता है कि अगर प्राइवेसी क्या रहेगी हमारी, हमारा जो नेम है या मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो। तो साइट वाला ने बोला कि ये 100% प्राइवेसी आपकी रहेगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप ईमेल कर सकते हो और फोन कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट जेंडर करना है, यहाँ आपकी उम्र एज का आपको क्या ढूंढ रहे हो, मतलब आपके लाइफ पार्टनर की जो एज कितनी होगी सर्च करना है। यहाँ पर जो भी आपको फॉर्म में दिया गया है, रजिस्टर फॉर फुल एक्सेस, तो नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आप डाल दीजिए और रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ पर मैं फिर एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेसी रहेगी वो 110% रहेगी। मतलब आपकी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को किसी को नहीं दिया जाएगा, ये इस वेबसाइट वालों ने बोला है। फिर भी आप इस नंबर पर कॉल कर कर आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। ये रजिस्टर करने के बाद 24 आवर में ये आपका ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब आप सब इस वेबसाइट पर कर सकेंगे। और एक दूसरा ये है कि जिसको CML कैंसर हुआ है उसको कई क्वेश्चन होते हैं कि क्या साइड इफेक्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके लिए भी एक वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। CML सपोर्ट ग्रुप है, ये भी 110% इसमें प्राइवेसी रहेगी और ये वर्ल्ड वाइड है। वो जो मैट्रिमनी साइट थी वो तो सिर्फ इंडिया के लिए ही थी, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड है। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले आप रजिस्टर करना है। और देखिए, ये मैं पहले बता दूँ, ये CML सपोर्ट के लिए है, क्रोनिक माइग्रेन ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसके लिए है। ये वर्ल्ड वाइड है और ये भी नॉन प्रॉफिटेबल है, फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे, देख लीजिए। इंटीरियम एंड डिस्प्रेशन डिप्रेशन सॉरी मेंटल हेल्थ, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, देखिए 30 तारीख को ये पूछा गया है। हाई एवरीवन, आई एम आफ्टर सम एडवाइस और मे बी इश्योरेंस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ सभी ने दिया है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल साइट है,
सीएमएल कैंसर के लिए आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन का बहुत अच्छा जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट ही है वर्ल्ड वाइड, वो आपको एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि आपको जो हो रहा है उसको यह हुआ था और उसका हल कैसे मिला। तो आपको 100% हेल्प मिलेगी और आपको मोटिवेट करेगा। आपको पहले तो ये भूल जाइए कि कैंसर इज डेथ सेंटेंस। देखिए सीएमएल कैंसर में तो ऐसा है कि इप्टिनिप और जो बाकी दवाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। मतलब आप गूगल में सर्च कर कर भी बता सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होगी वो नॉर्मल लोगों जैसी ही होगी। अगर अनडिटेक्टेबल आ जाता है तो मतलब आप बहुत ही अच्छे। और यहाँ पर एक न्यू रिसर्च भी शुरू हुआ है ट्रीटमेंट फ्री रिवर्जन, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी है, आपको कौन सा कैंसर है और आप कहाँ से हो। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइए और ये वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी को भी पता ना हो कि ऐसी साइट भी है तो आप उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। तो ये वीडियो हेल्प के उद्देश्य से ही बनाया गया है, ये चैनल भी ऐसे ही बनाया गया है। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जो CS फाइटर्स नेम से, और वो भी इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सब सिर्फ हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो थैंक यू वेरी मच अगर आप उसमें ज्वाइन करते हो, दूसरे को हेल्प करते हो। यहाँ पर देखिए ये जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हो इसी में सपोर्ट में। मतलब आप चाहते हो कि आपका नेम हाइट रहे तो आप एक अलग ही नेम रख सकते हो, और आप सिर्फ ईमेल आईडी देना है और आपकी जो प्राइवेसी है 110% प्राइवेसी रहेगी। तो आप टेंशन कुछ मत लीजिए, आप कोई भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। ये ग्रुप सीएमएल सपोर्ट के लिए है, तो ऐसे कई ग्रुप है जो आपको जो भी कैंसर हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सपोर्ट ग्रुप होगा, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। वो लेकिन आप ये देख लीजिए वो वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। तो ये सीएमएल सपोर्ट ग्रुप है, वर्ल्ड वाइड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर होंगे। तो वो आपकी छोटी सी छोटी क्वेरी का आपको आंसर देंगे और आप उसका एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो देखिए इसमें कितने लोग हैं, उसने अपना एडवाइस दी है, एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो थैंक यू।